अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, भले ही आप लोग क्रिप्टो ट्रेडर हैं, फॉरेक्स ट्रेडर हैं, कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हम लोगों को लिए ट्रेडिंग तो करनी है, लेकिन हम लोग कहाँ से आके मार्केट की न्यूज़ देख सकते हैं, मार्केट के अंदर डेली चल क्या रहा है, मार्केट के टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ से देख सकते हैं, मार्केट की सिचुएशन क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे लोग इस वक्त क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अपने एनालिसिस क्या दे रहे हैं। आप लोग ने BTC पे ट्रेड करनी है, गोल्ड पे करनी है, GPB पे, एप्पल पे, अमेज़ोन पे, तो आप लोगों ने वो सारी इन्फॉर्मेशन लेनी कहाँ से होती है, या मैं कहाँ से लेता हूँ, या जितने भी प्रो लेवल के ट्रेडर हैं वो कहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो आप लोगों के साथ एक बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जिसका नाम है investing.com। बल्कि ये आप लोगों के लिए एक ऐसा ख़जाना है कि आप लोगों को यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग, हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपके सभी जो ट्रेड करने के वाले जो भी पेयर्स हैं उनके बारे में। तो वन बाय वन सभी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि पिछली एक वीडियो मैंने पहले भी investing.com पे बनाई थी, उसमें बहुत सारे लोगों के ये मैसेज आए थे कि सर हमें इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाकर दिखाएं कि इसके अंदर जो है वो हम लोग कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे लोगों के एनालिसिस देख सकते हैं, मार्केट के इंडिकेटर्स इस वक्त क्या कह रहे हैं, वो तमाम चीजें हम लोग कहां से जाके देख सकते हैं। तो आप लोगों के साथ फुली एक्सप्लेन वीडियो होगी और आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो यकीन कीजिए कि आप लोग अपनी ट्रेडिंग को बहुत इन्हेंस कर सकते हैं और यहाँ पे इनकी हेल्प से अपनी ट्रेडिंग को अच्छा कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मुझे TikTok, Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने कुछ एडवर्टाइजिंग आ रही है, इसके बारे में भी बात करते चलते हैं। तो अगर आप लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, क्रिप्टो करनी है, स्टॉक्स करनी है या कमोडिटीज़ करनी है, तो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छा ब्रोकर चाहिए होता है। तो डू प्राइम आपके सामने भी आ रहा है, अगर आप लोग इसके ऊपर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप लोग इनका अकाउंट बना सकते हैं और अपनी डेली की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम investing.com की बात कर लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिंपली आप लोगों ने आके यहाँ पे अपना साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आप लोग यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा मार्केट। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि आप लोगों ने सिंपली अपने पेयर की जो है वो एनालिसिस कैसे करने हैं। लाइक अगर आप लोग गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, BTC पे करते हैं, GPB पे करते हैं, किसी पर भी करते हैं, तो आप लोग उसके ऊपर स्पेसिफिकली जाके कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे मार्केट है, इंडाइसेस आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर वो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। स्टॉक्स में आएंगे तो आपको एप्पल, टेस्ला, मेटा प्लेटफॉर्म, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट सब कुछ मिल जाएगा। कमोडिटीज़ में आएंगे, क्रूड, गोल्ड, ब्रेंट ऑयल, सिल्वर, नेचुरल गैस, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी में BTC, इथेरियम, LTC, डॉजी, सब कुछ आप लोगों को कॉइन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। करेंसीज़ की बात की जाए, फॉरेक्स की बात की जाए, तो यूरो USD, GBP USD, यूरो CHF या जितने भी करेंसी पेयर्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद ETFs की बात की जाए, फंड्स, बॉन्ड्स, 10-year yield की बात करें, US 13-year yield की बात करें, तो वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, यहां पर आपको ओवरव्यू मिल जाता है। अगर कोई पेयर आप लोग अपनी माई वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो यहां से इजीली कर सकते हैं, गोल्ड को कर लें, BTC को कर लें, GPP कर लो, या जो भी आप लोगों के फेवरेट पेयर्स हैं जिनके ऊपर आप लोग ट्रेड करते हैं, तो आप लोग उसको माई वॉच लिस्ट में आके यहां पे कर सकते हैं और डायरेक्टली उनके ऊपर जा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने बता दिया। न्यूज़ यहाँ पर आपको किस चीज़ की न्यूज़ चाहिए, स्टॉक की चाहिए, क्रिप्टो करेंसी की चाहिए, कमोडिटीज़ की चाहिए, करेंसीज, फॉरेक्स की चाहिए, वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अगर आप लोग इनका प्रो बाय करना चाहते हैं तो कर ले, अदरवाइज़ फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं आपको प्रो लेने की। एनालिसिस की बात की जाए तो मार्केट का ओवरव्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा, करेंसीज़ का, स्टॉक्स का, कमोडिटीज़ का, बॉन्ड्स का, वो सब का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चार्ट्स, लाइव चार्ट देखने हैं, गोल्ड का चार्ट, BTC का चार्ट, किसी भी पेयर का चार्ट, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। टेक्निकली क्या हो रहा है, टेक्निकल समरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं, पावर पॉइंट, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स, कैंडल पैटर्न्स, वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ब्रोकर्स, टूल, अकेडमी, मोर, सब कुछ आप लोग यहाँ पे आके एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। और हम लोगों ने अब क्या करना है, हम लोगों को चाहिए, लाइक मैं गोल्ड पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ,
आप लोग BTC पे करते हैं, GPP पे करते हैं, किसी भी पेयर पे करते हैं, तो आप लोगों ने ऐसे ही आके सर्च करना है और आप लोगों ने देखना है कि उसके अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। लेट्स सपोज मैंने गोल्ड के बारे में देखना है कि गोल्ड भी इस वक्त क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर फियर एंड ग्रीड क्या कह रही है, मार्केट के एनालिसिस क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड वाइड जो लोग गोल्ड के बारे में क्या कह रहे हैं और इंडिकेटर्स इस वक्त गोल्ड के बारे में क्या कह रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इकोनॉमिकली जो भी न्यूज है, वर्ल्ड वाइड जितनी भी मुल्कों की न्यूज़ हैं, वो यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। शो मोर न्यूज पे क्लिक करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, तो यहां पर आपको वो हर चीज मिल जाएगी जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे मार्केट्स है। आप लोग इंडाइसेस पे जाना चाहते हैं, कमोडिटीज में, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, या आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे करेंसीज, ETF, क्रिप्टो के बारे में भी बताया जाता है, जो आप लोग यहां पे फेवरेट रखना चाहे रख सकते हैं। जैसा कि मैं गोल्ड पे करता हूं तो मैं कमोडिटीज के ऊपर क्लिक करूंगा, यहां पे आपको क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, नेचुरल गैस सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हम लोग जो है वो गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको गोल्ड का समझाता हूं। आप लोगों को मैं फिर से बोलूं, आप जिस भी करेंसी के ऊपर करते हैं आप लोग उसके ऊपर जा सकते हैं। लाइक कोई ऑयल पे करता है तो ऑयल पे चला जाए, कोई BTC पे करता है BTC पे चला जाए, वो उसकी मर्जी है। या आप लोग यहां पर आके सिंपली सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, यहां से आगे ये भी मैं आपको अभी समझाता हूं। तो यहां पर आने के बाद हम लोग गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको गोल्ड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि इसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जैसे ही गोल्ड के ऊपर क्लिक किया तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो इस वक्त प्राइस है वो 2051 चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, गोल्ड फ्यूचर, तो हम लोग जो है वो स्पॉट के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो उसकी प्राइस और इसकी प्राइस में लगभग 150 से 200 pips का डिफरेंस होता है, प्राइस डिफरेंस होता है। ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है। अगर आप गोल्ड फ्यूचर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोग इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, लेकिन हम लोग करते हैं गोल्ड स्पॉट के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गोल्ड स्पॉट, तो मुझे यहाँ पर वो बता देगा। यहाँ पर आप लोग कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये ऊपर वाला चार्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पर प्राइस देख लें 2051 है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2034 की प्राइस चल रही है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों ने देख ली लगभग 200 पिप्स का इसके ऊपर नीचे का जो है वो प्राइस डिफरेंस है, क्योंकि ये गोल्ड स्पॉट है और वो गोल्ड फ्यूचर है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल करना है। कहीं ये ना हो कि आप लोग उसके ऊपर एनालिसिस करते हो और ट्रेड आप इसके ऊपर करते हो, तो इन चीज़ों को आपने देख लेना है। अब जैसे मैंने गोल्ड को ओपन कर लिया है, आप लोग यहाँ पे कोई भी पेयर अपनी मर्जी का ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे इसका चार्ट नज़र आ जाएगा, जैसा कि सारे पेयर्स का चार्ट होता है। यहाँ पर अगर आप लोग इसको कैंडल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कैंडल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यह चार्ट कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट की जो भी आप लोग कैंडल जो है वो चेक करना चाहते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको चार्ट नज़र आ जाएगा, न्यूज़ एंड एनालिसिस, गोल्ड के बारे में जितनी भी न्यूज़ हैं, जितने भी एनालिसिस हैं, वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। टेक्निकल्स इस वक्त आप क्या चल रहे हैं वो यहाँ पे मिलेगी। फॉरम्स अगर आप लोग जो है वो सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम टेक्निकल्स की बात कर लें, मैं चाहता हूँ कि भाई गोल्ड के इस वक्त टेक्निकल्स क्या कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। डाउन करेंगे तो आपको इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो टेक्निकल की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर सबसे पहले क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न भी है। मैं फिर से बता दूं कि अगर आप लोग गोल्ड के ऊपर ट्रेड नहीं करते, आप लोग किसी भी पेयर के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो सेम आप लोगों ने ऐसे ही इसको आके चेक करना है, और यहाँ पर आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये जो है हमारे पास इंटरफेस इसका आ गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मार्केट के बारे में वो आपको तमाम चीज़ें गाइड करते रहते हैं। यहाँ पर समरी XAUSD टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पर हमारे 1 आवर की जो कैंडल है वो ओपन हुई है, तो उसके अंदर 1 आवर के अंदर जो है वो इस वक्त मार्केट क्या कह रही है, ठीक है। मूविंग एवरेज कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाय है, टेक्निकल इंडिकेटर कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग बाय है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पिवट पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद टेक्निकल इंडिकेटर्स इस वक्त क्या कह रहे हैं, बाय है, ओवरबॉट है, लेस वॉलेटिलिटी है, या जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, तो वो तमाम इंडिकेटर्स की यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई 8 जो इंडिकेटर है वो 8 के 8 बाय के अंदर है, 0 सेल में है, 0 नेचुरल है, समरी इसकी स्ट्रॉन्ग बाय है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि गोल्ड इस वक्त 1 आवर के अंदर
बाय में है। यहाँ पे मूविंग एवरेज की बात करें, आप MA5 के ऊपर वर्क करें, MA10 के ऊपर, MA20 के ऊपर, तो ये सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाय 11 है, सेल में एक इंडिकेटर है और यहाँ पर भी समरीज की स्ट्रॉन्ग बाय की है। अब यहाँ पर मैंने जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर का किया है। आप लोग 30 मिनट पर जाएंगे, 15 मिनट पर जाएंगे, 5 मिनट पर जाएंगे या 1 मिनट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो सारा सीन है वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट है तो 1 मिनट में हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग सेल में हो, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, या आप लोग 5 मिनट में जाते हैं तो हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग बाय हो। तो ये चीज़ें आप लोगों को होपफुली पता होंगी कि वीकली, मंथली, आवरली जो हमारे टाइम फ्रेम्स होते हैं उनके ऊपर इंडिकेटर्स जो हैं वो अलग अलग मूव कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप लोग 1 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट के ऊपर ट्रेड करते हैं तो आप लोग स्कैल्पिंग करते होंगे, तो आप लोगों ने अपने उस हिसाब से जो है वो टेक्निकली जो एनालिसिस है उनको देख लेना है और इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं उनको आप लोगों ने समझ लेना है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने हैं तो सिंपली यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी बता चल जाएंगे, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो बता देंगे कि गोल्ड के अंदर जो पैटर्न्स है वो क्या बन रहे हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर बता दें कि हैंगिंग मैन है, 3 आउटसाइड अप है, बुलिश इंगल्फिंग है, 3 आउटसाइड डाउन है, ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके ऊपर आके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं investing.com वाले, ये इनके अपने एक्सपर्ट हैं जो इनके पीछे प्रॉपर एक पूरी की पूरी टीम बैठी हुई है वर्ल्ड वाइड जो काम करती है, उनके अपने एनालिसिस है। आप लोगों ने इनके एनालिसिस देखने हैं और अपने एनालिसिस ज़रूर करने हैं और उन चीज़ों को मिलाना है कि आपके एनालिसिस इनके एनालिसिस से मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की ट्रेडिंग में जो है वो आसानी हो जाएगी। या आप लोग पहले इनके एनालिसिस देख लें और फिर अपने कर लें, या आप लोग पहले अपने कर लें फिर इनके देख लें और उनको मिला के देखें कि आप लोगों के जो एनालिसिस हैं या जो आपकी इंडिकेशंस हैं वो सेम है, या आप लोगों की किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप लोग जो यहाँ पर आके सॉल्ट आउट कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म से आके आप लोग बहुत हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह आप लोग अपने तमाम करेंसी पेयर्स की जो है वो ईजीली जो है यहाँ पर आके नॉलेज ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो होपफुली कि ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आप लोगों ने न्यूज़ का देखना है तो भाई न्यूज़ तो आप लोग यहाँ पे जितनी मर्ज़ी देख सकते हैं, जो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे यूरोपियन शेयर्स ड्रॉप आफ्टर रिसेंट रैली, तो मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोग जब भी आएंगे तो आप लोगों को करंट न्यूज़ ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। न्यूज़ और मार्केट के टेक्निकल फंडामेंटल्स, मार्केट का फियर एंड ग्रीड, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। डाउ जोन्स, लेट्स सपोज आप डाउ जोन्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, नैस्डैक के ऊपर करते हैं, तो सिंपली आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो भी पेयर आप लोगों को यहाँ पे चाहिए आपने सर्च कर लेना है या यहाँ पर आपके सामने है तो आप लोगों ने उसको क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा आप लोगों को उसी एक चीज़ का बताएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो वो बता रहा है कि भाई टेक्निकली इस वक्त जो है वो नैस्डैक स्ट्रॉन्ग बाय के अंदर है, ठीक है। ये डेली की है, वीकली पे करेंगे चेंज होगा, मंथली पे करेंगे चेंज होगा, या जो भी उस वक्त होगा वो आप लोगों को बता देगा। यहाँ पर लोग अपने कमेंट्स भी पास करते हैं, अपने एनालिसिस भी करते हैं और ये जो वर्ल्ड वाइड जो लोग हैं यहाँ पर क्या सोच रहे हैं या मार्केट के अंदर क्या हो सकता है वो तमाम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसी तरह आप लोग अगर किसी करेंसी पेयर के ऊपर फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, आप लोग BTC इथेरियम को देख सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग जिस भी पेयर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं भाई, वो सब के सब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं और आप लोग बड़ी अच्छी अपनी ट्रेडिंग को इन्हेंस करके यहाँ से अच्छा जो है वो ट्रेडिंग सेटअप बना के ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करेंसीज भी मिल गई। तो होपफुली कि मैंने बड़ी डिटेल में आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझा दी हैं, बता दी हैं और आप लोगों ने एनालिसिस एंड ओपिनियन देखने हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये तमाम लोगों के जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने एनालिसिस बता रहे होते हैं कि क्रिप्टो के ऊपर क्या हो रहा है, कमोडिटीज़ पे क्या हो रहा है, फॉरेक्स में क्या हो रहा है, स्टॉक्स में क्या हो रहा है, वो सब के सब आप लोगों को इस एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आके मिल जाते हैं जो कि आप लोगों की नीड है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। किसी चीज़ की नहीं समझ आती या आप लोग किसी और चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द उसके ऊपर भी वीडियो बना के आप लोगों का वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।